अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब? उम्मीद करते हुए सब ठीक ठाक होंगे। आपकी दुआ से हम भी ठीक है। सुबह सुबह का आगाज़ हो गया हमारा वॉक से। आज हम वॉक करने जा रहे हैं। मैं ना बड़ी गहरी नींद सो रही थी, भाभी ने ना मेरे नंबर से फ़ोन किया, मैं एकदम डर गई। कितनी देर बाद जाके नंबर शो हुआ, मैं बैठी रही देखती रही, मैंने कहा पता नहीं किसने फ़ोन किया, मुझे नंबर ही नहीं शो हो रहा था ऊपर। तो फिर बाद में थोड़ी देर बाद जाके मैसेज आया, तो फिर मैंने बाहर मैं क्या अच्छा सही है तो वॉक करने जा रहे हैं। स्मोक हो रही है वॉक पे। चले जी, ये देखे धुंध देखी कितनी है, स्मोक। एक पहले वो टाइम भी आता था जब धुंध आती थी, साड़ा वो नहर होता भी कितना। हाँ बहुत ज़्यादा स्मोक हो रही है ना, बहुत ज़्यादा। ये नहर, नहर तो बड़ी दफ़ा आपने देख ली, स्मोक देखे आप। बैठ के सांस ले रहे हैं, नया पुल है ये, यहाँ पे वो बाबे भी बैठे हैं। यहाँ की पार्क बड़ी प्यारी है, ये देखें चौंक पे है ना, ये साथ ही इधर नहर है। इधर हम बैठ के सांस ले रहे थे और सूरज देखे निकल रहा है। धुंध की वजह से ना, स्मोक की वजह से सूरज निकल नहीं पा रहा। चलो चलें वापस, हम सांस लेने रुके थे। पसीने पसीने, अली ने आज छुट्टी करनी है, उसने जाना है आज 12 बजे ट्यूशन अपनी आपी के घर। आज उनका ट्यूशन का आखिरी दिन है, तो कह रहा था मैंने उधर जाना है, तो उसका बाप कह रहा था छुट्टी करा दे, वो उधर जाएगा इसलिए उसको नहीं भेज रहा। बस अभी नदीम को उठाती है, आज उसने भी 8 बजे जाना है। फिर नाश्ता करते हैं, नाश्ता करने के बाद उसके बाद फिर मैंने कमरा साफ़ करना है अपना, बड़ा मिट्टी मिट्टी हो रहा है, सारा साफ करती हूँ। दीदी यहाँ पे ना सुबह सुबह हमारी चली गई है लाइट चली गई है हमारी, अभी हम वॉक से आए हैं तो लाइट ना गई थी, क्योंकि बच्चों का टाइम हो गया स्कूल का आगे, इसलिए बच्चे ना घर ही नाश्ता करके जा रहे हैं। 9:45 बजे का टाइम हो गया, तकरीबन सारे बच्चों की हो गया, टीवी में लान हुआ था ना, उस वजह से उन्होंने टाइमिंग चेंज कर दी, इसीलिए फिर अभी मैं आई हूँ आके। मैं चलो नाश्ता बना लूँ चीज़ा को, तो बाहर हम गए, लेकिन बाहर इतनी स्मोक थी, इतनी स्मोक थी बहुत ज़्यादा। मैं फिर मास्क ही लगा के गई थी, क्योंकि उस दिन फिर मास्क लगा के बगैर चली गई थी मैं, तो मुझे जुकाम हो गया था बहुत ज़्यादा। लीजा को देते हैं इसका नाश्ता, अपना करके जाए स्कूल। अली ने छुट्टी करनी है क्योंकि अली ने प्रिपरेशन पे जाना टीचर्स के घर तैयारी के लिए ना। ये देखें जी, मैंने अपने पौधे से नींबू उतारे हैं। अपने पौधों से फल उतारने का एक अलग ही मज़ा है और एक अलग ही खुशबू है, ताज़े ताज़े हैं, बहुत अच्छा लगता है जब आप अपने घर में पौधा लगाते हैं और उसका फल इस्तेमाल करते हैं। तो आज मैंने उतारे हैं अपने पौधे के लेमन, और वो देखें यहाँ पर शाजर हो गई थी, टंकी काफ़ी लीक हो गई है, वहाँ पे वसीम ने लगाई भी थी दवाई लेकिन काम नहीं आई, और वो पाइप से पानी भी निकल रहा है, काफ़ी ख़राब हो गया। पता करके आए हैं न्यू टंकी 10-12 हज़ार की है। अभी ये बच्चे आपको इधर घर नज़र आ रहे हैं इसलिए, क्योंकि ना हवा कितनी प्यारी चल रही है, ये पौधे भी खिल रहे हैं, हवा बहुत प्यारी चल रही है, ठंडी ठंडी रात की चल रही है। और रात को मुझे SS नवाज़ ने मैसेज किया था कि लाहौर का मौसम कैसा है, लाहौर का मौसम काफ़ी अच्छा हो गया है, लेकिन ना आलूदगी बहुत ज़्यादा, उसकी वजह से ना लोगों के गले ख़राब, ज़ुकाम,
स्मोग है ना गंदी है, तो वो फिर आलूदगी में आ गए, मैं नीचे गिर गया। चल जी यहाँ पे आसमा का नाश्ता रवा दवा है, स्टार्ट हो गया है। पहली रोटी चली गई तवे थे, लेकिन लाइट नहीं आई। 8:30 हो गए ने, लेकिन लाइट नहीं आई। 7 बजे की गई है। और बच्चे यहाँ पे तैयार हो रही है। लीजा लोटा ले रही थी, बैग भी पहन लिया इसने। चले नाश्ता कर लिया था, लेकिन लाइट नहीं आई। उधर की आ रही है स्कूल वाली साइड की ना। अभी मैं गई थी बाहर काले चने लेने, यहाँ पे मैंने प्याज और टमाटर भी काट लिए। ठहर जा लीजा बेटे, चल ठीक है। इधर इसने सजा लिए पेड़े, नाश्ता सजा दिया, मेज सजी, चाय भी रख दी और रोटी भी रख दी। और इधर मैंने भिगोए हैं काले चने, ये देखे दो रंग के चने हैं, एक ये हल्के और एक ये डार्क। आज हम पकाएंगे काले चने, और साथ में अपने लिए मैं थोड़ी सी ना चाट भी बनाऊंगी काले चने की, दोपहर में खाने के लिए। इधर मैंने काले चनों में सारी चीज़ें डाल के, तो अब बस प्रेशर बंद कर दूंगी, तो थोड़ी देर चलाएंगे इसको। और बाकी इधर मैंने थोड़े से बचाए हैं चाट के लिए, दोपहर को एक प्याली अपने लिए चाट बनाऊंगी, इसमें आलू भी उबाल के डालूंगी, ज़रा हेल्दी सी बन जाएगी चाट। इधर पक रही है चाय, आसमान नाश्ता बना लिया, बस वो नदीम का डब्बा पैक करने लगी है। चलो जी नाश्ता बनाते बनाते आ गई है लाइट, लाइट आ गई है 8:46 पे, 7 पे गई थी, 7 बजे पूरे। तो अभी हम करते हैं घर का काम स्टार्ट। हांडी रख दी है चूल्हे पे, ये देखें प्रेशर रख दिया, और साथ साथ करते हैं अब कमरे की सफाई से हुई, बेड सही करते हैं। तो अभी टाइम चेक करें ज़रा, 10 मिनट कम 9 हो गए। घर आ गए हैं, वो देखे पानी हमारा सरकारी कितना तेज आ रहा है, लाइट गई हुई है तो है। अच्छा तो पानी बड़ा तेज आ रहा है। हाँ वाल बांधेगा, वाल बांधे फिर भी आ रहे हैं। इधर भाभी भी आके बैठ गई, ऊपर से लाइट गई हुई है हमारी। लीजा स्कूल के लिए तैयार हो रही है, नेरा हो रहा। अच्छा जी यहाँ पे ना मैंने प्रेशर खोला, थोड़ा सा पानी रह गया खुश्क होने में, मैं कहा ये भून के अच्छी तरह ना फिर दोबारा प्रेशर लगाऊंगी। हल्के से अगर कच्चे भी हो ना आप इनको अच्छी तरह भून लें घी डाल के। अभी मैं डालती हूँ घी, घी हम नहीं डालते, हम ऑयल डालते हैं, लेकिन मुंह से घी ही निकलता। इनकी अच्छी तरह भुनाई करें घी डाल के, भुनाई करके अब घी चला गया ना, जब घी डाल देना फिर जल्दी पानी सूख जाता। अब ये साथ साथ पकते रहेंगे, और साथ साथ ये मसाला पानी खुश्क हो जाएगा, फिर मैं अच्छी तरह भूनूंगी, भून के फिर शोरबा लगा के ना फिर 10 मिनट प्रेशर लगा देंगे, क्योंकि चने अभी मैंने भिगोए नहीं थे ना, ऐसे ही मैंने थोड़ी देर भिगोए थे 1/2 घंटा, तो उसमें मैंने फिर दोबारा से मैंने चढ़ा दी, मैंने कहा फिर गैस चली जानी है, गैस का बहुत रोल है इधर। इससे पहले कि गैस जाए जल्दी से अपना काम करके फ्री हो जाए बंदा, चाहे सुबह सुबह ही है लेकिन खाना तो पकाना ही है ना, सुबह को भी पकाना है, दोपहर को भी, शाम को भी, वही ना बंदा जब गैस आ रही है फिर पका ले। ज़रूर बैठना फिर गैस के इंतज़ार में। 9:30 हो गए हैं, तकरीबन मैंने 15 मिनट लगाया था प्रेशर, उसके बाद फिर मैंने खोल लिया थोड़े से चने गले, अब भून के फिर बन गए पक रहे हैं उधर ना। चलते हैं आसमा के कमरे में, आसमा ने आज सफाई की है, देखिए ज़रा इसने खिलारा डाला हुआ है अपना, सोफ़ा इधर बाहर निकाल दिया, बाहर अम्मी ने भी बाहर काटता है, खिलारा डाला हुआ है। वे होए कितना गंद है, ये बच्चों की मेहरबानी है, बच्चे खाते पीते ना इसे छोड़ दें दे बस की हाँ। नहीं छोड़ देंगे कितना गंद है, मेरे भी होंगे है, मेरे भी है, लीजा तो अली खाते ने ना चीज तो सड़ देंगे ने अंदर बैड दे सैड दे तो ऐसी बात मैंने बोलता वैसे क्यों एक साफ कर तो मना करया करे ना जरा बड़ा तंग किया गाइस क्या करें कोई नुस्खा है तो बता दे चूहों का कुछ ये शीटों के पीछे से मिट्टी गिरती है सारी हां बस आप दुआ करें हमने इनको चेंज करवाना है
जल्दी से ये चेंज हो जाए दिसंबर तक चेंज कराना, तो फिर आसमा कमरे की चेंजिंग की वीडियो बनाएंगे। ऐ छोटे ब्रश ना साफ कर बनी है, सही होनी है, नीट नीट कट्टा मिट्टी है ना, कट्टा मिट्टी देखे मैंने खुद, ये देखे मास्क लगाया हुआ, दुपट्टा लेके मैं झाड़ू लगाती हूँ मास्क लगा के, क्योंकि सर में भी मिट्टी डलती है, सर में लैदा फिर होते हैं बाल जड़। ये देखे कैसे मिट्टी उतर रही है, पीछे से गिरती है सारी, क्या करें, रहना तो है ना, रहने के लिए ये हार बहुत ज़्यादा ख़राब है घर ना। हाँ पता बच्चे होते हैं ना, फिर कुछ फिर सारा नीला, ये मैं महीने में दो दफा करती हूँ साफ, फटे उठाती हूँ जब मैं पर्दे चेंज करती हूँ ना कमरे के, चटाई भी तो नहीं है, नहीं साफ ही है, खिड़की में से बाहर। चल तू सफाई कर ला फिर बनानी है। हाँ ये इधर दरवाजा है ना, इधर से भी बहुत ज्यादा आती है मिट्टी, जिस तरह जमादार झाड़ू मारता है ना, वो तो बुआ है ना, जिम्मे बाहर नु गया है ऐ वाला, बाहर नु गया, इधर सारा दिन ये ना बाहर ध्यान रखते हैं, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, झाटियाँ मारते रहते हैं। हाँ चलो गद्दा इसने इधर खड़ा कर दिया, इधर दीवार में, साथ में फट्टे भी लगा दिए हैं, अब फट्टे बहुत ही नहीं तेरे बैठ दे, अच्छा अच्छा हाँ ज्यादा लाए, हाँ मेरा भी बेड था ना पहले, वो बेड टूट गया, उसके भी फट्टे इसने लगाए हैं बेड के नीचे, ताकि गद्दा ना ऊंचा हो जाए थोड़ा सा, बस ये जब कमरा चेंज करेंगे साथ लोहे का बेड भी लेंगे। हाँ जी ये ना जब दिसंबर में करेगी ना साथ में बेड भी लेगी लोहे का, वो एलेक्स पे बड़े मिल जाते हैं। मैं जा रही हूँ बाहर, पैन घट्टा बहुत हो रही है, तू कर ले नीट फिर मैं आनी हूँ। सर जी ये देखे यहाँ पे ये मैंने लगाया गर्म होने के लिए, ये मैंने लिया था बड़ा अच्छा था, वो पतीली चले ला, ये है प्रोफेशनल वालों का बड़ा अच्छा था, ये हमने लिया था लाट के माल में से, गर्म हो रहा है, मैंने लगाया, अभी लीजा ने जाना ना पार्टी पे, उसकी तैयारी स्टार्ट हो गई है, इसकी लाइट ब्लिंक कर रही है लेकिन कैमरे में, वैसे रियल में नहीं कर रही, रियल में ब्लिंक। और यहाँ पे इसका मैंने यहाँ पे सूट भी इस्त्री कर दिया है, पैंट शर्ट की है, पैंट शर्ट पहन के जाएगी, ये शर्ट है और ये इसकी पैंट है नीचे, ये हमने इसको ईद पे लेके दिया था, अभी ये दो तीन बार इसने पहना, मैंने इसको कहा था इसका एक लहंगा था सालगिरह पे पहना वो पहन लो, कह रही नहीं यही पहननी है, उधर ही हैं अंदर ही चले जी। यहाँ पे मैंने मेकअप अपना समेट लिया, थोड़ी बहुत चीज़ें हैं हमारे पास, और इधर मैंने पत्ती मंगवाई है कावा बनाने के लिए अपने हस्बैंड को, आज मैंने चाय बना के देनी है, और इधर जो है मेरी लेडी डिनर तैयार हो गई है, ये जा रही है अपनी पार्टी पे, आज शीशे की मत बज जानी है। बस बच्चियाँ ना इनको शौक होता है जाने का अपनी टीचर्स के पास, तो अभी ये जा रही है अपनी, बाय बाय, दादो के साथ जाओगी ना, क्यों फ़ोन करना है, चलें ठीक है। चलो जी इधर अली भी तैयार हो गया, कंगा नहीं माना सिर से, चलो फिर चलो निकलो, ये चीज़ भी ले आया है मैं, चलो चलो भाई ये भी जा रहे हैं पार्टी पे, हुर हुर हुर्रे, चल जाओ अल्लाह हाफिज। जाओ सीधा जल्दी अपने ध्यान से, चलो भाई बच्चे चले गए अपनी पार्टी पे, वो जान दे इधर मौसम, बस आज धूप निकली थी हल्की बहुत हल्की थी। ये आए हैं अभी ऑफिस से, मगरिब का टाइम हो रहा है, मगरिब की नमाज हो रही है इधर, तो इधर हमने ना बाहर आ गई है गैस, और मैंने यहाँ पर रखा है ग्रीन टी का कावा बनाने के लिए, बीच में डाली है मैंने ना इलायची ग्रीन सबज चाय जो पकती है ना शादी हालों में पिंक वाली वो वाली, तो
अभी देखने आप लोग कहते हैं ना, हम भी आसिया खालिद जी हम भी ना चूल्हा जो है ना सिरके से साफ़ करते हैं, लेकिन कभी कभी अभी सिरके से बड़ा अच्छा क्लीन हो जाता है, बहुत सारा साफ़ लगता है। अभी देखे ना ब्लैक है ना, तो कैसे साफ़ होगा भाई। ये तिनका गिरा हुआ पत्ती का दाना, इलायची का बीज है, इलायची डाली है ना मैंने, फिर ठंडा पानी डाल डाल के इसको फेंटोगी फिर। हाँ अभी मैंने ना इसके लिए ठंडा पानी रखा फ्रिज में, अभी तो इसको उबाल आएगा ना फिर इसका रंग निकलेगा, फिर डालूंगी ठंडा पानी। अभी तो मैं अभी गैस आई है तो मैंने रखा। आज हम बनाएंगे सब्जी भिंडी शादी आलू जाएंगे भिंडी। हाँ इधर आसमाने भिगोए हैं चावल, तू चावल का दे बना लगी बना के देंगे। अच्छा अच्छा और ये चावल भी बोल दिए कल की तरह नहीं पकेंगे ना सारे पैसे देखो वसूल करेंगे। ये देख लें, मैंने आपको कल भी वीडियो में कहा था कि पता नहीं मुझे क्या होता है, सिर्फ मुझे प्याज काट के देना, बाकी मैं हर चीज खुद ही काट लूंगी, सारा कुछ मैं ले आके दे। हाँ खैर की पकाने खड़े चलो तब तक गैस भी दे दो, लेकिन मसाले तो बने होंगे ना। मैंने हाँ ये मैंने दस दी किन्ने गिलास ने चावल तेरे वाले दो मगे निकले पूरे ए बने। हाँ बस ठीक है, मिर्चा मसाले सारे रखने ना जिस दरमियाने पाए ना जिस तरह उसने ही पाई। चल ठीक हाँ ना पीके ना तेल दरमियाने। ठीक है ठीक है ठीक है गाइस, अब देखते हैं इनके चावल वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, क्योंकि ये हमारी वीडियो सुबह से चल रही है लंबी हो गई है ना। हाँ तो बस ये चाय तक ही आपको मिलेगी। इसमें मैंने अभी ठंडा पानी डाला है, इसका कलर आ रहा है, अभी और पकाएंगे तो रात को 9 बजे तक ये हो जाएगा। जब तक पकने देते हैं इसको अच्छी तरह, अच्छा सा कलर आ जाएगा, फिर ये गाढ़ा आ जाएगा ना जब कावे के जितना जब रह जाए तब तक ना इसको पकाएंगे। अच्छा जी गाइस इधर देखें ज़रा, मैंने बनाई है सब्ज़ चाय, ये कैमरे में बहुत ज़्यादा हल्का कलर नज़र आ रहा है, ये अम्मी को देख आ रही है आसमान साथ में अंडा उबाला, ये एक आसमा की एक लिजक पापा की है। और ये देखें इधर बनाई है मैंने पतीली में, उधर नदीम भाई को भेज दिया तो सब पी रहे हैं, अलीज़ा आएगी ट्यूशन से वो भी पी लेगी और मैं भी पी लूँगी। चलें जी इधर हमारा हो गया है टी टाइम, चाय बना लिया हमने ग्रीन टी, बहुत मज़े की बनी है सब चाय। और आज का व्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं, कल मिलेंगे दोबारा से नए व्लॉग नए टॉपिक के साथ। और आप बताइएगा मुझे कि आपके घरों में भी इसी तरह कावा निकालते हैं ये पिंक सब चाय का, तो लाजमी टिप्स शेयर करिएगा। और जो हमारे घर में है ना वो ना कलर भी डालते हैं, बाज़ार से कलर भी मिलता है, ये कावा जब पक जाता है ना फिर एंड पर जाके ना हल्का सा कलर डालते हैं, लेकिन मैंने कलर नहीं डाला, मैंने ऐसे ही बनाई है रियल में। तो पीते हैं एंजॉय करते हैं, कल मिलेंगे दोबारा से, अल्लाह हाफिज़।